Hello students, welcome to Commercedge again. The topic for the day is why we fail in business studies. ये समझने के पहले कि हम business studies में क्यों fail होते हैं, क्यों ना पहले ये समझ लें हम fail ही क्यों होते हैं. Fail हम लोग इसलिए होते हैं बच्चों, students specially, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता. हमें लगता है हम fail इसलिए होते हैं कि हमें कुछ नहीं आता. This was not the reason. हमारे फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमें ये चीजें नहीं आती और हमें ये चीजें आती हैं, तो हमारा फेल होने का रेशो और हमारे फेल होने के चांसेस डेफिनेटली कम हो जाएंगे. सो फ्रेंड्स, आई एम लोकेश वुले, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्सएज, और आज हमारा टॉपिक है, तुम लोगों को पता है, व्हाई वी फेलिंग बिजनेस स्टडी. सो मैंने टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. कुछ ऐसी चीजें निकाली है, एक्सपीरियंस करा है, बच्चों से बात करी, तुम्हारे फ्रेंड से बात करी, तुम्हारे कोलीग से बात करी, और ये पता करा कि यार तुम्हें क्या इशू आते हैं जब तुम बिजनेस स्टडी सॉल्व करते हो. और फिर लास्ट के 11 सालों का एक्सपीरियंस क्लब करके मैंने समझा कि जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या है. तो सबसे पहली प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन है एक अच्छे स्टूडेंट होने की. और वो सोल्यूशन है, वी ऑल हेट रट्टाफिकेशन. हम में से किसी को भी रट्टाफिकेशन अच्छा नहीं लगता. अब रट्टाफिकेशन अच्छा नहीं लगता, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, अकाउंट्स तो बहुत हद तक प्रैक्टिकल है, इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल है, कॉन्सेप्ट है, ग्राफ्स है, कर्व्स हैं, पर बिजनेस स्टडीज बहुत रट्टाफिकेशन जैसा सब्जेक्ट लगता है. और हमें तो रट्टाफिकेशन पसंद ही नहीं है, और पसंद ना होना एक अलग बात है, प्लस हमें रट्टाफिकेशन बहुत जमता भी नहीं है. मतलब रट्टाफिकेशन करने जाएंगे तो इट्स नॉट इजी टू गो फॉर रट्टाफिकेशन. यू हैव टू हैव सम स्पेशल टैलेंट, कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती है उन बच्चों की जो रट्टाफिकेशन करते हैं. आई होप एंड आई एम जस्ट मैं ट्रस्ट करता हूं कि तुम उनमें से नहीं हो, ना होना चाहिए. सो दिस इज वन ऑफ द इशू विद बिजनेस स्टडीज. इसके सॉल्यूशंस पे हम बात करेंगे किसी दिन, पर आज मैं बता रहा हूं क्या क्या इश्यूज हैं बिजनेस स्टडीज में, क्यों फ्लॉप हो जाते हैं, क्यों बिजनेस स्टडीज में फेल होते हैं. और ये कोई बहुत ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें फेल होना चाहिए, पर हमने देखा है बिजनेस स्टडीज में लोगों के कंपार्टमेंट आते हुए. कंपार्टमेंट मतलब सप्लीमेंट्री फेल होते हैं बच्चे बिजनेस स्टडीज में क्लास 12th में. सो फर्स्ट रीजन मैंने जो बता दिया, रट्टाफिकेशन हम एड करते हैं, इसके सॉल्यूशंस पे अपन बात करते हैं. दूसरी चीज, we usually ignore this subject. मतलब हमें लगता है ये subject जो है ना, ये third level का subject है. हमने इसको है ना categorize कर दिया. Categorize मतलब हमने सबसे ऊपर accounts रखा होगा, फिर हमने economics रखा होगा, फिर हमने business studies रखा होगा, फिर English और optional subject को तो हमें समझते हैं, चलो यार ये मिला हुआ है, कि अचार पापड़ जैसा एक subject है, कि है तो है, इसको तो use करना ही करना है. तो हमने तीन subject को categorize करा हुआ है हमारे commerce के साथ. So जो business studies subject है उसको हम यूजुअली इग्नोर करते हैं थ्रू आउट द स्टडीज. हम पढ़ते जरूर हैं, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं करी, ऐसा नहीं कि हमने बिजनेस स्टडीज के कोई चैप्टर नहीं पढ़े, पर पढ़ना और अकाउंट्स की तरह पढ़ना और इकोनॉमिक्स की तरह पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है. सो हमने बिजनेस स्टडीज को कैसे पढ़ा है, हमने सिर्फ चैप्टर को समझ लिया. दिस इज द इशू विद दिस बिजनेस स्टडीज चैप्टर. सो वी डोंट नीड टू इग्नोर दिस चैप्टर. We don't need to ignore this subject rather. ये बहुत important concept है, और ऐसा नहीं है कि इनकी इसकी इस subject की importance of class 12th तक होगी. Like accounts, like economics, like English, like optional subject तो जो सबके अलग अलग होते हैं, business studies भी बहुत ज्यादा role play करता है in overall development as a student of commerce. और ये business studies subject है ही ऐसा, तुम बहुत सारी चीजें सीखते हो business world में, नॉर्मल जॉब में, तुम कुछ भी करने जाओ, ट्रस्ट मी दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट. ठीक है, सो डोंट इग्नोर दिस सब्जेक्ट. तुमने अगर इग्नोर नहीं करा, सो बाय डिफॉल्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग पास ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इंक्रीजेस. ठीक है, द नेक्स्ट इज टू मच फोकस ऑन प्रैक्टिकल टॉपिक्स. हम लोग पूरे साल भर, क्योंकि हमारा फोकस अकाउंट्स के प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल पे होता है, सो वो फोकस होने के चक्कर में हमारा प्रैक्टिकल करने का जो अटेम्प्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना, पढ़ना कैसे है ये हम भूल जाते हैं. सो दिस इज द इशू विद बिजनेस स्टडीज कॉमर्स स्टूडेंट, स्पेशली जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, क्या भूल जाते हैं बिजनेस स्टडीज को पढ़ना कैसे. एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पूरी थ्योरी लिखी हुई है, टेलर फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं तुम्हें रटने हैं, तुम्हें सारे इंपॉर्टेंस रटने हैं, फंक्शंस रटने हैं, फीचर्स रटने हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव्स हैं तो जनरल चीजें, फिर मेन चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं. इतना रटना
प्रैक्टिकल के साथ आदत प्रैक्टिकल की बन चुकी होती है। सो इस आदत को मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिकल के साथ साथ थोड़ा सा थियोरेटिकल वे में भी काम करना पड़ेगा। ये रीजन है कि बच्चे बिजनेस स्टडीज में फेल क्यों हो जाते हैं। देन लास्ट वन, डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज। एंड एज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम सिंस 2017-18, जब से केस स्टडीज ने बहुत ज्यादा चलन में अपने आप को तूल पकड़ लिया, केस स्टडीज, अब केस स्टडीज ही आती हैं। सो ऑफ 25 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 20-22 क्वेश्चंस केस स्टडीज से आ जाते हैं कभी कभी। तो इतने ज्यादा केस स्टडी के क्वेश्चंस और हमें नहीं समझ में आता केस स्टडीज क्या है। हम में से बहुत से बच्चों को, ट्रस्ट मी, केस स्टडीज अनसीन पैसेजेस जैसी लगती होगी जो तुम लोग इंग्लिश में करते हो। सो अनसीन पैसेजेस के साथ क्या होता है, मैं लगता है अनसीन पैसेजेस में पैसेज होता है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को उस पैसेज में ढूंढते हैं। हम तो कभी अनसीन पैसेज पढ़ते ही नहीं थे, और जनरेशन चली आ रही, तुम लोग हमसे अब एक जनरेशन आगे वाली जनरेशन, तुम लोगों ने भी मेरे ख्याल से अनसीन पैसेज को ऐसे ही देखा होगा, क्वेश्चन पढ़ो उसको, उसका स्टेटमेंट कहीं ढूंढो अनसीन पैसेज में, वही तो उसका आंसर होगा। यही सबसे बड़ी गलती है, तरीका वही है कि तुम्हें पहले क्वेश्चन देखना है फिर तुम पैसेजेस देखो, पर ये तरीका और उसको अनसीन पैसेज मान लेना, इसमें जमीन आसमान, द पोल्स अपार्ट थिंग्स आर देयर, नॉट लाइक एग्जैक्टली केस स्टडीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम केस स्टडी के साथ ये होती है, बच्चे उसको समझ नहीं पाते किस चैप्टर की। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है स्टाफिंग से रिलेटेड कोई चीज लिखी हुई है, मतलब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, हम उसको डेफिनेटली स्टाफिंग ही समझेंगे। अब वो स्टाफिंग है कि वो डायरेक्टिंग के चीजें हैं, वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से चीजें आई है, वो मोटिवेशन है, वो कंट्रोलिंग है, या कंट्रोलिंग भी है, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। कोई चीजें नॉर्मल दो हो सकता है, कोई दो चैप्टर मिक्स होके केस स्टडी आ जाए, तो हम क्या करें, उसमें दोनों चैप्टर लिख दें, दोनों चैप्टर का टॉपिक लिख दें, या सिर्फ एक ही सोच के अक्कड़ बक्कड़ करके उसको मार्क करें। दिस इज द इशू विद केस स्टडी, हम लोग चैप्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो उसका सोल्यूशन, वैसे बहुत सारे सोल्यूशन है, मैं तुम्हें सिंपल सोल्यूशन बताता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज क्लियर हो जाएगी। इन केस नहीं होती तो फिर केस को पढ़ो वापस, पूरा केस उठा के, लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़ना, फिर तुम चैप्टर को आइडेंटिफाई करो, चैप्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हें केसेस आइडेंटिफाई करने हैं, तो ये टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें तुम्हें आंसर लिखना है। सो बहुत बार बच्चे केस को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि वो एग्जैक्टली केस है क्या, और गलत लिखाते हैं, डायरेक्टिंग में स्टाफिंग, स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में वो कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो जो मिक्सचर होता है आंसर का, यहीं पे आके बच्चों के आंसर्स गलत, और फिर उसका रिजल्ट होता है फाइनल रिजल्ट फेल। सो हम नहीं चाहते कि तुम में से कोई भी बच्चा फेल हो, तो ये चार चीजों पे तुम्हें फोकस करना है। एक बार लास्ट में बताता हूं जल्दी से, फर्स्ट वी डोंट नीड टू इग्नोर बिजनेस सब्जेक्ट, हमें बिजनेस स्टडीज को इग्नोर नहीं करना है। वी ऑल नो कि यू हेट केस स्टडीज, यू हेट रट्टाफिकेशन, हेट मत करो उसको, अलग तरीके से समझो, अलग तरीके से पढ़ो, उसके तरीके होते हैं कि रट्टाफिकेशन कैसे करते हैं, दूसरा इशू है। थर्ड, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करना भी बिजनेस स्टडीज को कहीं ना कहीं वीक कर देता है। फोकस ऑन प्रैक्टिकल्स बिल्कुल करो, पर सिर्फ उस पर फोकस करना और बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर करना स्पेशली बिजनेस स्टडीज is a problem. And last one is know exactly how to attempt case studies. Case studies को attempt करने का एक तरीका होता है, sorted तरीका है, उस पर हम लोग आएंगे, हम लोग case studies को solve करवाएंगे यहाँ पे तुम्हारे साथ। तो जब case studies पढ़ोगे तब मैं case studies करते करते तुम्हें बताऊंगा exactly case studies को solve कैसे करना चाहिए। चलो, so I hope यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, और तुम में से कोई भी promise के साथ fail नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, जब तक कॉमर्स एज साथ है, सुनने वाला एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। दिस इज द चैलेंज। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, वॉचिंग कॉमर्स एज। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर पसंद आया तो, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना, और एक बेल आइकन है वहां पे उसको प्रेस कर देना, इससे क्या होगा तुम लोग कभी भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करोगे, और फ्रेंड्स को बताओगे तो उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू।